वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं डॉक्टर ओपी सिंह के निर्देशन एसपीआरए बदायूं सिद्धार्थ वर्मा के मार्गदर्शन तथा अपर पुलिस अधीक्षक नगर अमित किशोर श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण क्षेत्राधिकारी नगर आलोक मिश्र के नेतृत्व तथा थाना कोतवाली प्रभारी निरीक्षक हरपाल सिंह वालियान की अगुवाई में कोतवाली पुलिस सर्विलांस पुलिस एवं स्वाट टीम द्वारा दिनांक 9/9/2022 को 3 सात्र चोरों को भारी मात्रा में चोरी के माल अवैध शस्त्र व रुपयों के साथ गिरफ्तार किया गया। पेश है SSS24 न्यूज बदायूं दस्तक सच की यह रिपोर्ट। देखिए, जनपद बदायूं के खास तौर से शहरी क्षेत्र में विगत 5 या 6 महीनों से लगातार चोरी की कई बड़ी घटनाएं घटित हुई थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम गठित की गई थी, जिसमें क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली और एसओजी की टीम लगाई गई थी और इनके द्वारा मैनुअल तरीके की क्रिमिनल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए कुछ महत्वपूर्ण टाइप के चोरों को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है और इसमें बहुत ही शातिर किस्म के जो है चोर पकड़ गए हैं, जिसमें इनके नाम क्रमशः बजरुल अली जो कि कादर चौक थाना क्षेत्र का रहने वाला है और दूसरा साहिल जो सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र का है और तीसरा शारिक जो कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला है और इनके पास से और इनकी निशानदेही में काफ़ी बड़ी संख्या में हमको चोरी का माल बरामद हुआ है, जिसमें सोने के आभूषण लगभग 17 तोले और चांदी के आभूषण लगभग 3 किलो हमको रिकवर हुआ है। साथ साथ इनके 93,800 रुपये कैश भी बरामद हुआ है और साथ ही जो चोरी में प्रयुक्त करने वाली इनकी मोटरसाइकिल थी वो बरामद हुई है और 2 तमंचे इन अभियुक्तों के पास से बरामद हुए हैं। इसमें एक अभियुक्त अभी वर्तमान में फरार चल रहा है, जिसके लिए टीमें लगी हैं, बहुत जल्दी इसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। यहाँ उल्लेखनीय बात यह है कि इन चोरों द्वारा पहले रेकी कर ली जाती थी क्षेत्र की मोटरसाइकिल के जरिए, उसके बाद ही ये लोग इस घटना को अंजाम दिया करते थे। जिन घरों में ताले बंद रहते थे या जिनको लगता था कि ये अच्छे घर हैं जहाँ से इनको अच्छा माल बरामद हो सकता है, इस तरह की रेकी करके ये घटना को अंजाम देते थे और घटना करने के तुरंत बाद इनके कुछ सेट सुनार थे जहाँ पर जाकर के ये इन चोरी के आभूषणों को बेचते थे। इस घटना में वो सभी तीनों सुनार जहाँ इन्होंने ये आभूषण बेचे थे उनकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है और इनको भी जेल भेजा जा रहा है और इसमें आगे भी इनसे पूछताछ में कुछ तथ्य आए जिनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।